आप हमारी आर्ट्स की मैजिक पेंटिंग देखना चाहते हैं तो बनी रहें। हेलो दोस्तों, मैं शिव हूँ। ये देखो, ये बढ़िया पैटर्न बनाता है। और बोरिंग। क्या, लेकिन क्यों सैमी? अगला क्या है? क्या हम पेट्रोफ के लिए स्वेटर्स बनाएंगे? मुझे लगता है इसे पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे पता है इसे क्या पसंद है। हमें एक पेपर और सुंदर डिजाइन चाहिए। बढ़िया है, मुझे पेपर पर सिर्फ कुछ लाइंस दिख रही हैं। सब्र रखो सैमी। ठीक है, हम शुरुआत आउटलाइन से करेंगे। बिल्कुल कलरिंग बुक की तरह आपको हर लाइन को जोड़ने की जरूरत है, जिससे ये असली लगे। ये मुश्किल लग रही है, तुम डूडल्स बना रही हो? ये डूडल से बेहतर है सैमी, इसमें फ्लफी क्लाउड्स और कुछ शानदार क्रिएचर्स भी हैं। असली मास्टरपीस को ध्यान से बनाने की जरूरत होती है। अगर तुम्हें आर्टिस्टिक एडवाइस चाहिए तो मैं यही हूँ। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। वैसे सैमी ने सही कहा, डिटेल जरूरी है। और अब हम स्पाइक, स्पाइरल, आर्च और वेव बनाएंगे। ठीक है, हमने ट्रिकी पार्ट बना लिया है और अब मजेदार पार्ट बनाते हैं। हे सैमी, इधर आओ, देखो ये आइसक्रीम के फेस की तरह लग रहा है। तो शायद ये साइन आइसक्रीम ब्रेक का है। लेकिन हमने अभी मास्टरपीस को शुरू किया है। मैं तुम्हारे मास्टरपीस के साथ छोड़ देता हूँ, मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ। दोस्तों, डिजाइन बन गया है, तुम्हें क्या लगता है सैमी? मुझे बोल्ड स्ट्राइप्स और डायनामाइट शेप्स दिख रही हैं, लेकिन ये अधूरा लग रहा है। चलो कलर्स लें। टडा! हाँ, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है। फ्लावर को वाइब्रेंट ऑरेंज से करना शुरू करते हैं और इसके साथ हम लेंगे हाँ येलो। ये वाइब्रेंट कलर हमारी ब्लैक और व्हाइट कैनवस को शानदार बना देंगे। शायद थोड़ा सा पिंक कलर इसे और सुंदर बना देगा। पिंक और पर्पल एक साथ अच्छे लगते हैं। हे, तुमने पर्पल विग क्यों पहना है? तुम अजीब से आर्टिस्ट लग रहे हो, है ना दोस्तों? यह पिंक करेंगे। माफ करना, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है, तुम इंतजार कर सकते हो। फिर भी एक फोटो ले लेते हैं, कैमरा क्रिएटिविटी को और लाजवाब बना देता है। आई आई कैप्टन, मैं फिर से कलर के लिए सैमी की बात मान रही हूँ। पिंक के साथ पर्पल कलर अच्छा लगता है। हम रेनबो स्पेक्ट्रम ही क्यों नहीं बना लेते? ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। लेकिन हमारे मार्कर सेट में सिर्फ इतने ही कलर हैं। सीव, तो अब हम क्या करें? चिंता मत करो, हम कलर्स बदल बदल कर इस्तेमाल करेंगे। मैंने ऐसी टेक्निक के बारे में नहीं सुना, देखते हैं ये कैसे काम करती है। खैर, प्रोफेसर सूजन इस तकनीक को साबित कर चुके हैं। अलग अलग कलर सब बैलेंस कर देते हैं और रिजल्ट देखकर तुम हैरान हो जाओगे। ओह सैम, मुझे इसे देखकर फिर से आइसक्रीम की याद आ रही है। मुझे माफ करना, मैंने सारी खा ली, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। क्या, मेरे लिए कुछ नहीं बचा? थोड़ी सी भी नहीं। ओह नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सैमी? माफ करना, तुम्हें पता है मुझे आइसक्रीम कितनी पसंद है। खैर, मैं बाद में खाऊंगी। तुम्हारे लिए ये मैं कर दूंगा, सेव, डबल स्कूप खाओगी मेरी तरफ से। ओह, और एक्स्ट्रा चॉकलेट स्प्रिंकल्स भी। यम! तुमने मुझे स्प्रिंकल का लालच दे दिया सैमी, डील पक्की हुई। अब दो कलर को एक सेक्शन में कंबाइन करते हैं, बिल्कुल ऐसे। ये कलर शानदार है ना? ओह, ये रेनबो एक्सप्लोजन की तरह लग रहा है, मेरे आईबॉल साल्सा कर रही है, चुच्चा। सैमी, तुम बहुत मजाकिया हो। ओह, ये वेव्स छोटी और ट्रिकी हैं। देखो, आधा काम हो गया। ये मुझे ग्रीनी वाइब दे रहा है, मैं कैंडी रैपर के बादलों पर चल रहा हूँ। अब हम यहाँ करेंगे, इससे मुझे सी शेल्स की याद आ रही है। दोस्तों, आपको पता है सी शेल्स सुंदर कलर्स और पैटर्न्स में आते हैं? ये आर्ट नेचर के बहुत करीब है। मुझे सी शेल्स मिले थे जो बिल्कुल डिस्को बॉल की तरह था, वो हर जगह ग्लिटर बिखेर रहा था। ये सपने जैसा लगता है सैमी, अगर तुम दोबारा देखोगे तो ये पीकॉक है। और ये उसका चेहरा और बीक होगी।
हमें अलग अलग कलर और साइज के सीशेल्स और रेनबो मिले। ओह, मुझे हर जगह कैंडी नजर आ रही है, शायद मुझे भूख लगी है। ध्यान दो सियू, ध्यान दो। एक और रेनबो बन गया। रेनबो फीवर यहाँ है, ये यूनिकॉर्न डिस्को पार्टी में ग्लिटर से भी तेज फैल रहा है। हाँ? जल्दी, मुझे रेनबो रिपेलेंट दो। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है सामी। दोस्तों, आपको ये किस चीज की याद दिलाता है? ओह, इस छोटे दोस्त को तो देखो, ये बहुत गहरी नींद में सो रहा है। इन रेनबोज की दुनिया में फ्लावर बनो। चलो सन की रोशनी और वार्म कलर से फ्लावर में जान डालें। आपको पता है फ्लफी पेन से कलर करना मुश्किल हो सकता है, बस थोड़ा सा प्रेशर डालें ताकि इंक निकल जाए और ऐसे पफी टेक्सचर्स बनाएं। लेकिन ज्यादा तेज नहीं दबाना वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी बड़ी जगह पर करते समय एक ही स्ट्रोक में करें। सारे पार्ट्स हो गए, अब जल्दी से बाकी हिस्से भी कर लेते हैं। ये शानदार लग रहा है सियू, मैं तुम्हें आर्ट एसोसिएट के लिए हायर करने का सोच रहा हूँ। मैं स्लाइम का पिकासो बनूंगा। अभी नहीं सामी, बस हमारा मास्टरपीस बनने ही वाला है। हाँ, फिर हीट गन लेकर आओ और मैं अगर जरूरत हो तो कोने में ही हूँ। हम कलर्स को हीट गन से हीट करेंगे। दोस्तों प्लीज, ये करने के लिए आप किसी बड़े की मदद लें, ये बहुत गर्म है। वाह, क्या तुमने देखा, अब कलर पफ ने क्लाउड जैसा इफेक्ट दिया। मार्शमेलो की तरह कलर पफ को देखने में मजा आता है। कलर अब थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी वाइब्रेंट है, ये बिल्कुल सपने जैसा है। अब हम इसे मास्टरपीस कह सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है सामी? सामी, हेलो, तुम्हें क्या हुआ? ब्यूटी देखकर पिघल गया। समझ गई, इस पफ से हमारे डिजाइन में डेप्थ और डायमेंशन आ गई है, ये सुंदर और यूनिक लग रहा है। मेरा दिमाग घूम रहा है, लेकिन रुको, क्या तुमने फिर से एक जगह छोड़ी है? तुम्हारा मतलब यहाँ? नहीं सामी, यहाँ 3D पार्ट लगेगा। एक 3D पार्ट? अच्छा होगा मैं यहाँ से चला जाऊँ। ध्यान रखना तुम्हें सब कुछ दिख रहा हो। पहले हम कार्डबोर्ड क्लाउड पर कलर की लेयर बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे। फिर हम हीट की मदद से पफ करेंगे। फिर क्लाउड को पफ करने के लिए हम दूसरी लेयर बनाएंगे। इसे पहली वाली से छोटा बनाना होगा। छोटे साइज में अलग अलग कलर्स की लेयर्स बनाएंगे, फिर इसे पफ करेंगे। आर्टवर्क में डेप्थ और डायमेंशन बनानी चाहिए। और अब हम इसे खाली जगह पर लगाएंगे। आखिरकार क्राफ्ट पूरा हुआ। तुम क्राफ्टिंग में शानदार हो, मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड हुआ। अब मैं अपनी आर्टिस्टिक पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन मैं बस पिक्चर को पेंट कर सकता हूँ। मैं मैजिकल वर्ल्ड बनाऊंगा, जो मैं सोच रहा हूँ वही बनाऊंगा। गलती हो गई, प्लीज इसे घुमा दो, इसे ऐसा नहीं बनाना था। सुपर सैम सब ठीक कर देगा और इस अर्थ से मुकाबला करेगा। हे भगवान, ये डरावना है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? खैर, मैं तो बस मजाक कर रहा था, असली आर्ट तो यहाँ है। देखना चाहोगी? ठीक है, तुम कहती हो तो। ये तुम्हारा पोर्ट्रेट है सूजी, मैंने साइन भी किए हैं। वाह, शुक्रिया, ये सच में मेरी जैसी लग रही है। मुझे लगा मुझे आर्ट जेल जाना पड़ेगा। ओह नहीं नहीं, तुम्हें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं मदद करूंगी। ठीक है, मैं फिर से प्रैक्टिस के लिए सेटअप करता हूँ। और दोस्तों, आप बताओ, आपको हमारा पफी पेन मास्टरपीस पसंद आया? अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यहाँ बहुत सारे क्राफ्ट, DIYs और ड्राइंग एपिसोड्स इंतजार कर रहे हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।